जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी चंगे वाले होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे, मजामा होंगे। तो थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा, लेकिन मैं भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि आज की वीडियो है हमारे सर्दियों के सीरम की। तो सर्दियों में बनाएंगे हम लोग एक ऐसा सीरम जिससे हमारी ड्राइनेस हो जाएगी, बाय बाय डार्क सर्कल जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे, और जो आप लोगों की स्किन पे डलनेस आ रही होगी वो भी सही हो जाएगी। थोड़ा साफ सुथरा चेहरा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा जैसे आप लोग कह रहे थे कि पहला मेरा चेहरा वैसा था और अब ऐसा हो गया है, तो कैसे उस स्किन को वापस लेकर आए? तो वो स्किन आपकी सीरम से वापस आ जाएगी बिल्कुल। तो हम लोग ज़्यादा आपको इस वीडियो में नहीं चबाएंगे, तो थोड़ा सा बताएंगे और इसके बाद वीडियो की तरफ चलेंगे। तो इस बात पर अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बराबर बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक जरूर दे दीजिएगा और शेयर भी कर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों अहबाबों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, उनको भी सब्सक्राइब कर ज़रूर बोला करें। तो 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 चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को बता देते हैं ये सीरम जो है बहुत ही अच्छा है, जो चीज़ हम लोग घर में बना सकते हैं तो वो चीज़ जाके बाहर से बाय क्यों करें। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा ग्रिसलिन। ग्रिसलिन हम लोग लेंगे, इसकी क्वान्टिटी भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर फास्ट फॉरवर्ड में करके मैं वीडियो बनाती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगी। पहले मैं इन्ग्रीडियंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे है सबसे पहले ग्रिसलिन, ये डलेगी एक चम्मच, बड़ा वाला खाने का चम्मच लेंगे तो एक चम्मच, और ये वाला चम्मच लेंगे तो दो चम्मच। तो मैंने छोटा वाला लिया है तो दो चम्मच डलेगी, वो जो बड़ा वाला होता है वो डलेगा एक चम्मच। अभी है नहीं वरना मैं दिखा देती, आपको जाना पड़ेगा उठ कर। तो ये डलेगा एक चम्मच। यहाँ पे मेरे पास है ये, तो यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज ऑयल, रोगने किन्नू, रोगने किन्नू भी कहते हैं, ऑरेंज ऑयल भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का दिखता है। ऑरेंज ऑयल लेंगे हम दो चम्मच, खाने के बड़े दो चम्मच, छोटे वाले हों तो आप चार ले लें, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग लेंगे, साइड पे कर देते हैं, तीसरी चीज़ लेंगे हम लोग रोजमेरी ऑयल, ठीक है। तो ये दिखने में ये भी ऐसा दिखता है, ठीक है। और सही बस, हाँ ये लेंगे हम वही खाने के दो चम्मच होंगे तो दो बड़े चम्मच, ये वाले होंगे चार छोटे चम्मच। अब थोड़ी और डिटेल में चले जाते हैं इसके। हमारे जो ये ऑयल्स वगैरह होते हैं, अगर ये इस तरीके से अलग सेपरेट रखे हुए हों तो ये काफ़ी सालों सेपरेटेड रखे हुए हों ये ऑयल्स, तो सालों महीनों चल जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी ऑयल, ये वाले ने कोई भी ऑयल्स को अगर हम लोग मिक्स करके रखें तो वो क्या करते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं और फिर जो है हमारे स्किन पे जो है पिंपल्स वगैरह और काफ़ी सारी बीमारियां वगैरह स्किन पे आ जाती हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि हमें ऑयल यूज़ करने से, सीरम यूज़ करने से ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जाके हम जो मार्केट में सीरम मिल रहे होते हैं वो ऐसे जाके ले आते हैं, उस पर ज़्यादातर लोग एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते। तो उसकी वजह से ये होता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑयल मिक्स हुए हुए होते हैं, तो वो आपके फेस पे अफेक्ट करता है, तो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं या कुछ भी आ जाता है, तो इस वजह से आता है। जब भी आप मार्केट से लेकर आएँ तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। एक महीने से ज़्यादा कोई सीरम वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो हम घर में बना रहे हैं ये भी हम लोग करेंगे सिर्फ एक महीना यूज़, जो हम जो सारी चीज़ें डाल रहे हैं सारी एक किसी भी बॉटल वगैरह में डाल के हम लोग इसको यूज़ करेंगे एक महीना, और एक महीना यूज़ करेंगे, जो हमारे पास बच जाएगा उसको हम लोग फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, फिर हम नए बनाएंगे। तो सही है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो ऑयल है ये भी हमारे अगर रखे रहेंगे तो काफ़ी सालों तक रखे रहेंगे, महीने रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर इसमें कोई दूसरा ऑयल मिक्स कर देंगे तो वो ये है ये कि फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते, फिर ये जो है एक्सपायर होने लग जाते हैं क्योंकि उसमें दूसरे दूसरे ऑयल मिक्स हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, आप लोगों को बनाते रहते हैं और साथ साथ दिखाते रहते हैं किस तरीके से बना रहे हैं। तो चले चलते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और एक ले लिया है चम्मच। ओ सॉरी, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इसके अंदर हम ऐड करेंगे एवियन के कैप्सूल। यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 2 3 4 5 6 कैप्सूल ले लूँगी एवियन के, ठीक है। तो चले चले,
तो इसमें मैंने ग्रेसलिन ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे रोगने बद्दा रोगने किन्नू यानी कि ऑरेंज ऑयल। तो ऑरेंज ऑयल के हमने डाले हैं 2 बड़े खाने के चम्मच और टीस्पून हो तो 4 छोटे चाय के चम्मच। इसको बहुत स्मेल आता है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं और फिर अभी ऐड करेंगे। तो वहाँ से जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और चाहे तो पंसारी से भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने जो जाके ये ऑयल जैसे ख़रीदे थे जहाँ से जाके ख़रीदे थे, अगर आपको वो वीडियो देखे हैं तो ऊपर मैं आप लोगों को आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरी। ठीक है, खुल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब हमारे पास लास्ट बचा है इवियन के कैप्सूल्स, तो इवियन के कॉफ कैप्सूल्स ऐड कर लेंगे हम। तो सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है हमारा जादुई सीरम बनके रेडी हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब ये वाला सीरम आप लोग लगाएं अपने फेस वगैरह पे तो ये आपकी आंखों के अंदर बिल्कुल भी ना जाए। आंखों में बहुत जलन होने लग जाती है, तो आंखों को आप बंद करके फिर लगाइएगा ताकि आपके आईज के अंदर बिल्कुल भी ना जाए। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है सीरम आपके डार्कनेस को लाइटन करता है, जो आपकी डलनेस आई हुई होती है फेस पे उसको गायब करता है।
आपके डार्क स्पॉट ख़त्म करता है, आपके स्किन ब्राइट करता है, सर्दियों में बहुत ही अच्छा सीरम है ये स्किन ड्राई स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, मॉइस्चराइज करता है, और ये विंटर के लिए स्पेशल सीरम है, तो विंटर में आप लोग ज़रूर लगाएं। और ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से आपका पूरा विंटर निकल जाएगा, उसके बाद भी आपको ग्रिसलिन आपकी बची रहेगी और वो मैं नेक्स्ट सर्दियों में यानी कि आप नेक्स्ट सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस सीरम को जब भी अपने फेस पे लगाएं तो आंखें बिल्कुल बंद करके लगाएं, आंखों के अंदर ज़रा सा भी नहीं जाए, आंखों के अंदर जो है बहुत जलन होने लग जाती है, तो आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा सीरम के लिए। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बॉटल में, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो इसको कैसे यूज़ करना है, देखिए हमारा सीरम बन चुका है, इसको हम यूज़ करने से पहले थोड़ा सा हिलाएंगे, शेक 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 करेंगे, उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूज़ करते वक्त आपके आँखों में ना जाए, किसी वक्त भी यूज़ कर लें, सोते वक्त, उठते वक्त, मेकअप से पहले, बाहर जाते हुए, किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छा तो होगा रात में सोते हुए आप लोग इसको लगाएं, आप दिन में भी लगा सकते हैं, बस आँखों का ख्याल रखना है कि आँखों में ना जाए, आँखों में बहुत जलन सी होने लग जाएगी आप लोगों को। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो जल्दी जल्दी जाएँ सीरम बनाएं, सर्दियों के लिए बेस्ट सीरम है, जब हम लोग सीरम घर में बना सकते हैं तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, तो जाएँ सीरम बनाएं और पूरी सर्दियों मज़े उड़ाएं। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, ये वाला मैंने लिया था पंसाई की शॉप से, पहले था कुछ 150 के करीब, अभी हो गया है 250 के करीब। सही है, रोजमेरी ऑयल 250 का मिलेगा आपको, ऑरेंज ऑयल भी आप लोगों को मिलेगा 250 का, और मैंने ली थी ग्रिसलिन 100 रुपीज़ की, इवियन के कैप्सूल ले लिए थे मैंने, आई थिंक 700 रुपीज़ के करीब में, अंडर 100 ले लिए थे मैंने, तो 500, 600, 700 के अंदर अंदर आपका बड़ा अच्छा सीरम बन जाएगा, और वो सीरम आपका चलेगा पूरी सर्दियों आप सीरम यू बनाएं और यूज़ करें, उसके बाद भी आपकी ग्रिसलिन फिर भी बच जाएगी आप नेक्स्ट सर्दियों में। गला बहुत ख़राब है यार। नेक्स्ट सर्दियों में आप लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रिसलिन। तो जल्दी से जाएं सीरम बनाएं और मज़े उड़ाएं। अच्छा, आप लोगों के बता दूं कि आप अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी बॉडी पे यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग क्या करें, फेस पे आप 3-4 ड्रॉप जितने फेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए उतने आप फेस पे लगा सकते हैं वैसे ही, बाकी अपनी बॉडी पे इस तरीके से यूज़ करें, थोड़ा सा जितना आपको एक हाथ पे लोशन लगाना है उतना लोशन लें, उसमें 3-4 ड्रॉप डालें, 5-6 ड्रॉप डालें और उसको एक हाथ पे लगा लें, फिर सेकेंड हाथ के लिए जो आप लोशन लें या जो भी क्रीम लें उसमें 4-5 ड्रॉप ये वाला सीरम डालें और उसको पूरे हाथ पे लगा ले। इस तरीके से आप पूरी बॉडी पे अपना सीरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, उसको आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी खास 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 दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं की बहुत सारी ज़रूरत है आप लोगों की। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों को ये लगा के भी दिखा देती हूँ, ज़रा सा भी इसका ऑरेंज रंग का कोई भी कलर वलर ज़रा सा भी नहीं आएगा, ये और सीरम है, इसको शेक शेक किया मैंने, थोड़ा सा अपने हाथ पे लिया, 2-3 ड्रॉप ले लिए और इसको अपने फेस पे लगाया। आप लोग बहुत एहतियात करिएगा कि आंखों के पास बिल्कुल भी ना लगे ये। तो ये देखिए लग गया है, लेकिन ज़्यादा भी ऑयल जाने जिसके नाते वो कमेंट नहीं आते होंगे, जो बचा मैंने हाथ पे लगा लिया, ऐसे ऐसे भी कोई दिन होता है कि इसमें ऑयल ऑयल जाने जिसके कोई रहा जाता है।